वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। लो आ गए इन हरकतों पर वो कर बैठे फिर ऐसी गुस्ताख हरकत, मिटा बैठे सनातनियों की संस्कृति, कर बैठे ऐसा काम जिसे हिंदू समाज गुस्से से लाल हो जाएगा। उन्होंने करना है वो करेंगे और आपको सिर्फ बैठे बैठे देखना है तो देखो, बर्बाद होते हुए देखो। धीरे धीरे आपके घर की नंबर प्लेट से शर्मा, गोयल, ठाकुर ये मिट जाएगा। ये लोग मिटाकर मोहम्मद हफीज शकील कर लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तनीष शर्मा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। हिंदुओं का कहना है कि ईदगाह में पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन पिछले कुछ समय से इस विवादित मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज पढ़ी जाने लगी है। इस संबंध में श्री कृष्ण मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला अधिकारी के नाम एक पत्र सौंपा है और एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भ पर बनी हुई है, इसकी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है जो न्यायालय में है। उन्होंने कहा कि विवाद के बावजूद पिछले कुछ दिनों से ईदगाह मस्जिद में पांच तक यानी कि पांच वक्त तक जो है नमाज पढ़ी जाने लगी है वहां पर। इससे पहले मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। उन्होंने तर्क दिया कि इस हरकत से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा बनेगा। महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र में तर्क दिया कि ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर बनाई गई है। क्रूर मुस्लिम अक्रांता औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। उन्होंने कहा कि मस्जिद के दीवारों पर आज भी मंदिर के अवशेष के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि इसके दीवारों पर शंख, चक्र आदि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मुस्लिम पक्ष जानबूझकर इन चिन्हों को मिटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ईदगाह में नमाज पढ़ने से रोकना इन्हें बहुत जरूरी है। यानी कि आप ये देखिए कि जहां पर पहले मंदिर बना हुआ था उसको तोड़कर मस्जिद बना दी गई और जितने भी पिलर्स पे साइन थे, हिंदुओं के संस्कृति के जितने भी साइंस थे, कृष्ण के, शिव के, वो सब वो मिटा रहे हैं, खरोच रहे हैं उसको। और वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को ईदगाह पर ठाकुर जी का अभिषेक करने का निर्णय लिया था। महासभा ने एक स्वर में कहा था कि ईदगाह पर ठाकुर जी का अभिषेक बिना किसी तोड़फोड़ से या शांति से संपन्न जो है वो किया जाएगा। वाह कृष्ण, तेरी लीला अपरंपार है, अपने बंदों को पूजना तो सिखा दिया, लेकिन अगर आपको नुकसान पहुंचाए तो बंदों में आपने आक्रोश नहीं डाला है। जो आपको और आपकी निशानियों को मिटा रहे हैं उनको छीलना नहीं सिखाया। आज भी आधा हिंदू नहीं जागा है। अगर नहीं जागोगे तो वो लोग जागकर आपकी सारी जमीन हड़प लेंगे और इस देश को भी पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे। वो लोग करके रहेंगे, उनका सपना है, उनको पैसे मिल रहे हैं इस चीज के लिए। आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा, अपने ही धर्म में रहना है या फिर इस्लाम कबूल करना है। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि ये देश तो आपका है। कैसे लोग आपके हैं, सवाल आपके सामने ही। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।